बेस्ट न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गायों को नहलाने के विवाद में हत्या। गायों को नहलाने के बाद आंगन में आए पानी को लेकर हुए विवाद में 56 वर्षीय महादेव बोंद्रे की लाठी से वार कर हत्या कर दी गई। घटना कारदा थाना क्षेत्र के ग्राम मानेगांव बाजार में 11 अप्रैल की रात करीब 7:45 में हुई। पुलिस ने चार आरोपियों चंद्रशेखर मते 50, विक्की मते 24, मयूर मते 19 और सरिता मते 47 को भादवी की धारा 302, 307, 323, 506 और 34 के तहत गिरफ्तार कर लिया। मानेगांव बाजार में महादेव बोंद्रे और चंद्रशेखर मत एक के मकान आमने सामने हैं और घर के सामने मवेशियों को बांधने को लेकर उनमें पिछले 4-5 वर्षों से विवाद चल रहा है। उसी बीच 11 अप्रैल की रात महादेव और आरोपियों के बीच गायों को नहलाने के बाद आंगन में पानी को लेकर विवाद हुआ। महादेव के बेटे दिनेश 30 वर्ष ने इस पर उन्हें झगड़ा करने के लिए मना किया तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसी बीच आरोपी विक्की घर से लाठी लेकर आया और उसने लाठी से दिनेश के सिर पर वार कर उसे घायल कर दिया। दिनेश के पिता महादेव बीच बचाव करने पहुंचे तो उसने महादेव के सिर पर भी लाठी से प्रहार किया। आरोपियों ने दिनेश की मां के साथ भी मारपीट की। मारपीट में जख्मी महादेव को भंडारा जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिनेश बांद्रे के बयान पर वैद्य के अधिकारी के लिखित अभिप्राय पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थानेदार राजेश कुमार थोरात के मार्गदर्शन में मामले की जाँच की जा रही है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते। नमस्कार।